हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। आज हम लोग ऑटोकैड सीरीज प्लान का पार्ट टू देख रहे हैं, तो शुरू करते हैं। ओके, लास्ट टाइम वीडियो में हम लोगों ने इतना बना लिया था। अभी इसमें पहले मैं डोर से शुरू करती हूँ। तो ये जो मेरा है, ये ड्राइंग रूम है, तो इसमें मैं यहीं से एंट्रेंस देती हूँ, क्योंकि और कोई जगह नहीं है यहाँ पे एंट्रेंस देने की। मैं यहीं से एंट्रेंस देती हूँ। तो इसको ही अगर मैं यहाँ ऑफसेट दे दूँ, वो एंटर 3 फीट। ओके, वो एंटर 3 इंचेस। इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक, क्योंकि फिर मुझे उसको ट्रिम करना है। TR डबल एंटर ट्रिम। ये मेरे डोर के लिए एरिया बन गया। यहाँ पे मैं डोर लगाऊंगी, ये नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। ये मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए रखा है, कि फ्रेम वगैरह के लिए। फिर अभी ये मेरा ड्राइंग रूम का हो गया। किचन एंड डाइनिंग, ये मैं यहाँ पे ओपन रखती हूँ। तो वो एंटर 4 फीट पे। ये मैंने रेफरेंस लेने के लिए, यहाँ पे एक लाइन रेफरेंस लेने के लिए बना ली। वो एंटर किया 6 फीट। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन एरिया रखना चाहती हूँ। यार डबल एंटर ट्रिम कर दिया, और अब इस लाइन को डिलीट कर देती हूँ। और एक चीज़, ये प्लान मैंने अभी तक लेयर्स में नहीं बनाया है, तो लेयर्स में भी बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया है कि लेयर्स कैसे बनाते हैं, तो उसी का मैं रेफरेंस लेके बताती हूँ। एल एंटर करके लेयर्स बना के इसमें प्लान में ऐड कर देते हो। अगर जिसने वो लेयर्स वाले वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, तो प्लान बनाने में और अच्छा रहेगा। एल एंटर किया, यहाँ पे न्यू लेयर ले लिया। फिलहाल तो अभी मैं वॉल ही बना रही हूँ, तो मैं वॉल की लेयर लेती हूँ और इसको यहाँ से इसका कलर रेड कर देती हूँ। ज़्यादातर मैं वॉल का कलर रेड ही लेती हूँ। और अभी देखो, बट ये प्लान लेयर में नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको वॉल कर दो। ठीक है, तो अभी ये लेयर में होंगे, क्योंकि बाद में मुझे और भी चीज़ बनानी रहेगी, तो मैं लेयर्स में ऐड करती रहूँगी। तो यहाँ से ये ओपन एरिया हो गया, यहाँ से एंटर करके यहाँ तक जा सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे वॉश और बालकनी है, तो यहाँ पे भी ज़रा मैं डिस्टेंस दे देती हूँ। ये वॉश के लिए, बालकनी के लिए 4 फीट का दिया मैंने। अभी यहाँ पे भी मैं डोर लगा दूँ, ये डोर का है, यहाँ पे डोर लग जाएगा, यहाँ पे डोर लग जाएगा। डोर कैसे लगाना बताऊँगी मैं अभी, तो पर पहले एरिया कट कर लेते हैं। एक ही बेडरूम का डोर तो यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे, ये अंदर ओपन होगा, ये इधर ओपन होगा। तो इसके वॉशरूम के लिए हमें थोड़ा एरिया छोड़ना पड़ेगा, इतना कि जैसे कॉरिडोर जैसा एरिया हो, तो लोग जाके ऐसे मूव कर सकें। डबल एंटर, यहाँ पे जैसे यहाँ एंट्री करके यहाँ पे यहाँ चले गए, यहाँ पे वॉश, यहाँ पे बेडरूम में चले गए, यहाँ पे ये वाले बेडरूम में, फिर इधर से वॉशरूम में। ये वॉशरूम ऐसा कॉमन वॉशरूम है, यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। इसमें हमें फ़िलहाल तो ये डिवीज़न नहीं चाहिए, तो हम कबर्ड वगैरह लगाएंगे तब उसी में देख लेंगे। ये ऐसे, अभी यहाँ से एक इधर बेडरूम एंट्री, इधर और इधर ये वॉशरूम के साइड। सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होते, उनको डिलीट करना पड़ता है। ओके, तो मैं डोर भी अब लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं डोर के लिए लेती हूँ TP एंटर टूल पैलेट। डोर की मैं अलग एक लेयर बना लेती हूँ। एल एंटर करके न्यू लेयर डोर। अब इसको मैं कलर दे देती हूँ, ब्लू दे देती हूँ। ठीक है, नहीं तो ब्लैक ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये देती हूँ ये वाला। और इसको मैं करंट लेयर कर देती हूँ, तो अभी जो भी मैं बनाऊँगी इसी लेयर में बनेगा। TP एंटर किया, TP टूल पैलेट। यहाँ पे देखो ऑप्शन है आर्किटेक्चरल का, इसमें डोर को मैंने ऐसे बाहर ले लिया। देखो अभी ब्लू कलर में ही आ रहा है,
और मुझे डोर यहाँ पे क्लिक करके मैं कितने में भी ओपन करके इसको ऐसे लगा सकती हूँ, फ्लिप कर सकती हूँ ऐसे ऐसे। मुझे फ़िलहाल डोर ऐसे लगाना है या फ्लिप करके लगाना है, ठीक है। अभी मैं एक कमांड यूज़ करती हूँ, अलाइन कमांड। ये मैं रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बाद में मैं हटा दूँगी। ए एल एंटर अलाइन, फिर इसमें जो फ्रेम वगैरह बनाना है वो भी बना सकते हैं। ए एल एंटर किया और सोर्स ऑब्जेक्ट, फिर डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, सेकेंड सोर्स ऑब्जेक्ट, सेकेंड डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, एंटर। यस, देखो अभी यहाँ पे ये प्लेस हो गया, ठीक है। अभी ये छः तो लाइन डिलीट कर दिया, यहाँ पे जो एरिया रहेगा फ्रेम वगैरह उसका। अभी जैसे यहाँ पे भी डोर लगा देती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, बट यहाँ पे छोटा डोर आएगा तो उसको स्केल करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे 2 फीट 3 इंचेस का डोर का एरिया लेती हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे छोटा डोर आएगा ना, इसलिए अलाइन कमांड। ए एल एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, सेकंड सोर्स ऑब्जेक्ट, सेकंड डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, एंटर। यस, तभी वो अलाइनमेंट के हिसाब से स्केल होगा। हमें और किसी डिज़ाइन का चाहिए या कुछ और चाहिए तो हम लोग उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसी डोर को मैं यहाँ मिरर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सेम वैसा ही चाहिए। मिरर के लिए क्या होता है, हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होती है इसके मिड के हिसाब से, इसके मिड के हिसाब से एक रेफरेंस लाइन चाहिए, तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मिरर के लिए एम आई एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, एंटर। ये सब कमांड मैं बता चुकी हूँ पहले। फिर अभी यहाँ पे ये बेडरूम का डोर, मैं इसको कॉपी कर दे रही हूँ, पर अपने हिसाब से जैसा डोर लेना है, जैसा बनाना है तो अपने हिसाब से कर सकते हो। ये एक रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसे प्लान बनाना है अपने हिसाब से, डोर अपने हिसाब से, वॉल जो भी चाहिए एडजस्ट कर सकते हो। अरे ऐसा नहीं हो रहा, एक लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि ऐसा बहुत होता है, बराबर नहीं होता। तो वो बाद में लाइन डिलीट कर दो, फिर अपने हिसाब से ऐसे फ्रेम वगैरह भी बना सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे इसी को मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ, ये सब एक्स्ट्रा लाइंस को भी हटा देना, नहीं है सिंगल लाइन है, डिलीट। इधर भी एक डोर आएगा, ऑब्वियस सी बात है वॉशरूम जाएंगी कैसे, दीवार तोड़ के तो थोड़े ना। चेंज कर सकते अपने हिसाब से थोड़ा, तो ऐसे फ्लिप कर दिया। अब ये जो वॉशरूम है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ये बेसिक वाला है। अब ये इतना ही एरिया तो इतने में ही बनाते हैं, जैसा प्लान रहेगा बाद में मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे भी तो ऐसे दो डोर चाहिए, ये सब रोटेशन कमांड, मूव कमांड, कॉपी कमांड, ये सब मैं दूसरे वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ।
ठीक है, ये एक आइडिया मिल जाएगा और अपने हिसाब से प्लान को मॉडिफाई करना होता है तो कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। आगे की वीडियोस में आगे के इसके और पार्ट्स बताने वाली, विंडोज़ वगैरह बहुत चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।